37 × 51, ये एक 37 × 51 का एक पूर्वमुखी घर का नक्शा है। घर का लंबाई है 51 फीट और इसका चौड़ाई है 37 फीट। ये है घर का फ्रंट साइड और ये है ईस्ट डायरेक्शन, और ये बैक साइड, ये है वेस्ट, और ये राइट साइड, ये है नॉर्थ डायरेक्शन, और ये लेफ्ट साइड, ये है साउथ डायरेक्शन। यह है घर का फ्रंट और यह है ईस्ट डायरेक्शन। घर के सामने देखिए यहाँ पर एक बड़ा सा पार्किंग के लिए पार्किंग स्पेस, एक पार्किंग कम पोर्टिको 17 फीट 2 इंच × 14 फीट 10 इंच का ये पार्किंग। इसका ये हॉरिजॉन्टल लेंथ ये है 17 फीट 2 इंच और ये वर्टिकली ऐसे ये है 14 फीट 10 इंच। एक बड़ा सा पार्किंग है और ये है घर का एंट्री डोर। यहाँ पर देखिए बीच में एक बड़ा सा हॉल है, लिविंग कम ड्राइंग हॉल। देखिए 22 फीट 6 इंच × 19 फीट 8 इंच एक बड़ा सा हॉल है। ये हॉरिजॉन्टल लेंथ ये है 22 फीट 6 इंच और ये वर्टिकली ऐसे ये है 19 फीट 8 इंच। ये लिविंग कम ड्राइंग हॉल में देखिए यहाँ पर कोने पर एक छोटा सा पूजा घर है। ये है नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर पर, यानी ये है नॉर्थ डायरेक्शन राइट साइड और ये है ईस्ट। ये पोर्शन है नॉर्थ ईस्ट का, यहाँ पर है पूजा घर 4 फीट × 5 फीट का एक छोटा सा पूजा घर है। और यहाँ पर देखिए ये है साउथ ईस्ट के कॉर्नर, यहाँ पर ये है ईस्ट डायरेक्शन और ये है साउथ, यानी ये कॉर्नर है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में यहाँ पर देखिए किचन का प्रोविजन किया गया। साउथ ईस्ट में किचन कम डाइनिंग, एक बड़ा सा हॉल है, एक ओपन किचन कम डाइनिंग। ये 17 फीट 4 इंच एक इसका लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये हॉरिजॉन्टली है 17 फीट 4 इंच और ये वर्टिकली है 10 फीट। ये स्पेस है डाइनिंग के लिए और ये है किचन के लिए। इसका डोर यहाँ पर है वेंटिलेशन के लिए। इसमें 2 खिड़कियाँ हैं, देखिए यहाँ पर एक खिड़की और ये बाएं तरफ एक खिड़की। ये है किचन का स्लैब और यहाँ पर आप एक सिंक लगा सकते हैं बर्तन धोने के लिए, हाथ धोने के लिए। और यहाँ पर है बेडरूम नंबर 3, इसमें 3 बेडरूम है। ये एक 3 BHK हाउस प्लान। यहाँ ये है बेडरूम नंबर 3, 12 फीट × 11 फीट 10 इंच। ये हॉरिजॉन्टली है 12 फीट और ये वर्टिकली है 11 फीट 10 इंच। इसका ये है एंट्री डोर और वेंटिलेशन के लिए बाएं तरफ यहाँ पर एक खिड़की है। ये जो लिविंग कम ड्राइंग हॉल है इसका वेंटिलेशन के लिए बाएं तरफ, सॉरी दाहिने तरफ राइट साइड में देखिए, राइट साइड में यहाँ पर एक खिड़की है और ये फ्रंट साइड में यहाँ पर एक खिड़की है। ये इसका स्टेयरकेस ऊपर जाने के लिए, इनसाइड स्टेयरकेस, घर के अंदर है ये स्टेयरकेस। ये 7 फीट वाइड का स्टेयरकेस है। इसका चौड़ाई ये है 17 फीट और इसका ये लंबाई ये है 12 फीट। देखिए इसके पीछे यहाँ पर ये है साउथ वेस्ट कॉर्नर। देखिए पीछे है वेस्ट डायरेक्शन और ये है साउथ डायरेक्शन, यानी ये बाएं तरफ है साउथ और पीछे है वेस्ट। ये कॉर्नर है साउथ वेस्ट का। साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम है 12 फीट × 14 फीट का। इसका ये हॉरिजॉन्टल लेंथ है 12 फीट और ये वर्टिकली है 14 फीट। वेंटिलेशन के लिए इसमें 2 खिड़कियाँ हैं, बाएं तरफ एक खिड़की और पीछे एक खिड़की। मास्टर बेडरूम का ये है अटैच टॉयलेट 4 फीट 6 इंच × 7 फीट। ये मास्टर बेडरूम का अटैच टॉयलेट 4 फीट 6 इंच हॉरिजॉन्टली और ये 7 फीट है वर्टिकली। और इसके पास देखिए समान साइज का 4 फीट 6 इंच × 7 फीट का एक कॉमन टॉयलेट है। और ये है बेडरूम नंबर 2। बेडरूम नंबर 2 का डायमेंशन देखिए 12 फीट × 14 फीट, 12 फीट हॉरिजॉन्टली है और ये 14 फीट वर्टिकली है। वेंटिलेशन के लिए पीछे एक खिड़की है और ये है उसका अटैच टॉयलेट 4 फीट 4 इंच × 7 फीट का, 4 फीट 4 इंच हॉरिजॉन्टली है और ये 7 फीट वर्टिकली है। और ये टॉयलेट के सामने यहाँ पर एक छोटा सा स्टोर रूम है 4 फीट 9 इंच × 7 फीट का।
इसका हॉरिजॉन्टल लेंथ है 4 फीट 9 इंच, वर्टिकली है 7 फीट। दोस्तों ये एक 3 BHK ईस्ट फेसिंग हाउस प्लान 37 फीट × 51 फीट का, इसका लंबाई है 51 फीट और इसका चौड़ाई है 37 फीट। इसमें 3 बेडरूम है, ये है बेडरूम नंबर 1 यानी ये मास्टर बेडरूम, और ये है बेडरूम नंबर 2 और यहाँ पर है बेडरूम नंबर 3। इसमें 3 टॉयलेट है, देखिए ये है मास्टर बेडरूम का अटैच टॉयलेट, ये है बेडरूम नंबर 2 का ये अटैच टॉयलेट और यहाँ पर है कॉमन टॉयलेट। इसमें पूजा घर भी है, घर के सामने एक बड़ा सा पोर्टिको कम पार्किंग है और एक किचन कम डाइनिंग है बड़ा सा, और एक इनसाइड स्टेयर केस 7 फीट वाइड का स्टेयर केस ऊपर जाने के लिए। और ये वॉल का थिकनेस है 10 इंच का, ये जितना भी मोटा वाला वॉल है ये 10 इंच का है, और ये पार्टीशन वॉल यहाँ पर जो ये वॉल है 5 इंच का और ये वॉल 5 इंच का, यहाँ पर जो पार्टीशन वॉल ये है 5 इंच का और ये पूजा घर का वॉल 5 इंच का है। तो चलिए देखते हैं इसका प्लिंथ एरिया कितना है। अगर ये पोर्टिको का प्लिंथ एरिया हम मिला लेते हैं तो टोटल प्लिंथ एरिया यहाँ पर देखिए 1814 स्क्वायर फीट यानी 1814 स्क्वायर फीट। दोस्तों ये नक्शा आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल में, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।